अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दूर इन्फो हब पर खुश आमदीद। रुलस उस्मान की गुज़श्ता रात जारी होने वाली किस्त इस कदर दिलचस्प थी कि मताओं को पलक चुपकने की भी फुर्सत नहीं मिली। आज की वीडियो में हम किस्त नंबर 47 के रिलीज़ किए जाने वाले एक्शन से भरपूर ट्रेलर पर बात करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दें। नाज़रीन, ट्रेलर में हमने देखा कि उस्मान बे और इनके साथियों पर दुश्मन बुरी तरह हमलावर होते हैं और इन पर तीरों की बरसात करते हैं, जबकि फ्लैटियोस दूर से खड़ा होकर चिल्ला रहा होता है कि उस्मान बे, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, आज तुम मरोगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अब इस मुश्किल घड़ी में कौन सा मर्द मुजाहिद आकर उस्मान बे की मदद करेगा। हमारे ख्याल से या तो यावरलिक अरसलान अपनी फौजें लेकर आएगा, या फिर दोस्तों, क्या आपके ख्याल में तुर्गुत के आने का वक्त आ चुका है? अगरचा इस बात के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि इस ड्रामे के प्रोड्यूसर इस तरह के सरप्राइज़ देने के आदी हैं। अगले सीन में हमने दुंदार गद्दार और पेट्रोस के दरमियान मुलाकात के मनाजिर देखे। दुंदार गद्दार अब उमर को फंसाने के प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि उस्मान बे ने इस हवाले से अहम जिम्मेदारी दुंदार ही को सौंपी है। दोस्तों, एक तरफ पेट्रोस जहाँ उमर बे को वहाँ से निकालना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ वो उमर बे को नुकसान भी पहुंचाना चाहता है। ओवरऑल ट्रेलर की बात की जाए तो नाज़रीन, ट्रेलर में जंग के खौफनाक मनाजिर दिखाए गए हैं, जिसमें उस्मान बे और इनके साथियों को निकोला के सिपाहियों के हाथों ट्रैप होते दिखाया गया है। इसके अलावा दुंदार गद्दार अभी भी ये कहते नज़र आए हैं कि मैं उस्मान बे को घसीटूँगा और कबीले का सरदार बनूँगा, लेकिन दुंदार गद्दार अपनी उन चलाकियों और काविशों में किस कदर कामयाब हो सकेगा, ये तो आप बेहतर जानते हैं। यानी ये सब हवाई बातें हैं, और दुंदार गद्दार जल्द ही उस्मान बे के हाथों बुरी तरह से पीटेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।